हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल और इंडा जर्मनी 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2022 के बारे में। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद में ये पता लगा मेरे को, जो आपके कमेंट्स आए, मेन कमेंट ये था कि सर आईटीआई जरूरी है क्या। आपको मैं सिंपल भाषा में आज समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक बात और बता दूं आपको कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए आपके स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, यानी कल से। कल से आपका स्पेशल बैच चलेगा, जिसके अंदर बता दूं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस और आपका ये हिंदी हिंदी चलने वाला। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इंग्लिश कराओ, तो इंग्लिश की ऑलरेडी पीडीएफ 178 पेज की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध है। वहां से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। वादा करता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इस पीडीएफ से। हाँ, मानता हूँ कि जीके से बाहर आएंगे, पर इससे आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, वादा करता हूँ ये। एक बात और बता दूं आपको, जो ये आपके चारों सब्जेक्ट ना, ये आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन लेवल के आपको कराए जाएंगे यहाँ पर, ना कि आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल लेवल के यहाँ पर नहीं कोर्स कराया जाएगा। हमें बीएसएफ ट्रेड्समैन पास करनी है, ना कि सीएचएसएल सीजीएल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मैं क्लास डालू आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं, हमारे जो कमेंट्स आए थे, जो कॉल्स और मैसेजेस आए थे, वो क्या आए थे वो देखो बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि देखो कमेंट्स आया था। सबसे पहला कमेंट्स आया था कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी बात करेंगे। आईटीआई जरूरी है क्या, ये भी हम बात करेंगे। एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा यानी क्यों नहीं मान्य होगा, ये भी हम बात करने वाले इस वीडियो में। कौन कौन से राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप किस राज्य से, मान लो आप राजस्थान से और आप गुजरात से अप्लाई कर सकते हो कि नहीं अप्लाई कर सकते, ये बात करेंगे। और अदर राज्य से अप्लाई कर दिया है तो क्या होगा या क्या करें, ये सारी डिटेल में आज आपको बात बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी। और एक बात बोलना चाहूंगा, स्पेशल बात आपके लिए, जिस बच्चे ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, 6 व्हाट्सएप ग्रुप है, छठे को छवे के छवे को मैंने नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल को नीचे जो लिंक दे रहेगा उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, टेलीग्राम चैनल के को, ठीक है ना। अब बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट बात आती है, अगर आप किसी भी राज्य, इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप अपने राज्य से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बात मैं बता दूं। क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस या आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अब मेन मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि सर बहुत ज्यादा केपे वाले जो मित्र वाले हैं, वो आपके नॉलेज उनको थोड़ा कम है, तो वो क्या बोल रहे हैं आपको पता है क्या? वो बोल रहे हैं इसमें आईटीआई जरूरी है, इसमें आपको एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी की जगह हम क्या नाम लिखे, तो ये सब मैं आज के डाउट क्लियर कर दूं। देखो बात आती है कि आईटीआई जरूरी है क्या, तो जिस बच्चे ने फर्स्ट आपकी, तो बीएसएफ ट्रेड्समैन की हर बार ये भर्ती आती है 2 साल में, ये 2022 की भर्ती नहीं है, 2021 की भर्ती है। अभी तो उन्होंने 1 अगस्त 2021 से आपकी एज काउंट की है, 2023 में फिर भर्ती आती है। तो जिस बच्चे ने अपनी भर्तियां देख रखी है, पहले से 2-3 भर्तियां, उस बच्चे को पता है। पर जो बच्चा नहीं है अभी, जिसको पता नहीं है, उसके लिए बता दूं मैं आपके लिए, आईटीआई कोई जरूरी नहीं है भाई। अब राजस्थान में आईटीआई की पोस्ट नहीं, तो क्या राजस्थान से कोई अप्लाई नहीं होगा? कम से कम 5 लाख फॉर्म के लिए राजस्थान भरेगा, ये बात बता रहा हूँ बीएसएफ ट्रेड्स में, कम से कम 5 लाख फॉर्म। पोस्ट कितनी है राजस्थान से? 126। क्या पोस्ट है? 126। 5 लाख फॉर्म जाएंगे, 126 पोस्ट है, ये भी आप मैं बता दूं आपको। आईटीआई कोई जरूरी नहीं है। मिस प्रिंट कहाँ हो रहे हैं? मिस प्रिंट ई मित्र वाले और केपे वालों ने एक साइड आपकी सिंपल सी पकड़ रखी है, और उस साइड का नाम तो देखो मैं सिंपल ले रहा, उस साइड में भी दे रखा है कि 6 मार्च को आपकी एग्जाम है। यूट्यूबर उसका नाम नहीं ले सकता, पर बता दूं यार वो एक ब्लॉक है, और ब्लॉक से उसका एक कमाई करने का वो जरिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका कमाई करने का जरिया अलग है, सबका अलग अलग होता है, और वो ब्लॉक में क्या डाल रहा है उसको नहीं पता। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसकी जानकारी सही कहाँ से ले सकते हो? इसकी सही जानकारी या तो आपको ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मिल सकती है, या आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो ऑफिशियल साइट है वहां से मिल सकती है, क्योंकि भाई मैंने ये भर्ती देख रखी है ऑलरेडी, ठीक है ना, तब मेरे को इसके बारे में पता है। तो
बता दूं आपको, इसमें कोई भी आपके आईटीआई की जरूरत नहीं है, केवल 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक सिंपल सी बात सोचो आप, कुक में भाई कौन सी आईटीआई होती है, वाटर कैरियर में आप कौन सी आईटीआई करोगे, अवासरमैन में धोबी में कौन सी आईटीआई करोगे, आपकी ये जो अपना आता है ये वाशरमैन धोबी में, और आपका ये आता है कोबलर में कौन सी आईटीआई करोगे, कौन सी आईटीआई करोगे कोबलर में, तो ये बार्बर में कौन सी आईटीआई करोगे। अब देखो बात आती है कारपेंटर वगैरह, बार्बर में भी आईटीआई होने लगी है, अब वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। बार्बर में अपना आईटीआई कहाँ होती है यार, कौन बार्बर में आईटीआई करता है, मेल कैंडिडेट। तो ये ध्यान रखो, आप आईटीआई नहीं है तो क्या फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। तो आईटीआई वाला दिमाग में जो भी बच्चे के सवाल है वो इस वीडियो को जरूर देख ले, और जो कैपे वाले ये बोल रहे हैं उनको बोलो भाई यार, क्यों किसी की लाइफ खराब करने में लगे हुए हो, लाइफ एक दिन नहीं आता तो साफ बोल दो यार, 50 रुपए के चक्कर में अगले की जिंदगी खराब हो रही है, नहीं भरना आता फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ बोल दो भाई ये फॉर्म हमसे नहीं भरा जाएगा, आप कहीं और से भरा लो, अगला और व्यवस्था करेगा। और मैं तो बोलना चाहूंगा जो आपका कैपे वाला हो चाहे मित्र वाला हो, कोई भी आपका फॉर्म भर रहा हो ना, ऐसे बंदे से आप फॉर्म भरवाए जो आपका बहुत दिनों से फॉर्म भर रहा हो, उसको सब बातों का इसका पता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस मान्य होगा कि नहीं होगा। देखो मैं बता दूं आपको, एक्सपीरियंस मान्य होगा, बस आप किस रहते हैं, या तो जीएसटी नंबर होना चाहिए, या आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, या रेफरेंस नंबर होना चाहिए, तीनों तो आपके पास ये होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर सील लगी हुई होनी चाहिए, जो भी आपका, जैसे मान लो किसी स्कूल के तो प्रिंसिपल के, जैसे होटल के तो मैनेजर के, जैसे आपका हॉस्टल का है तो उसके चेयरमैन के, जो अलग आपके जो भी साइन सिग्नेचर है, या जो आम भाषा में बोलते हैं साइन है, तो वो आपको सिग्नेचर किए होने चाहिए मोहर सहित, तो आपका एक्सपीरियंस मान्य है, कोई नहीं निकालने वाला। अब ये मत सोचो आपसे ये डुप्लीकेट एक्सपीरियंस है कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, तो उसका एक ही चीज है आप भी पता लगा सकते हो, रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या जीएसटी नंबर ऊपर लिखा है, मतलब वो सही एक्सपीरियंस है आपके लिए, वो कोई आपका डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस के बेफिक्र हो जाओ। अब कई बच्चे बोल रहे हैं एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कौन सी चुनी, अरे यूनिवर्सिटी नहीं चुनी, उसमें अदर ऑप्शन भी दे रखे, तो अदर ऑप्शन पर क्लिक करके अपने जो एक्सपीरियंस कहाँ से बना है उसको नाम डाल दो ना, और इंस्टीट्यूट का नाम भी, आप अपना एक्सपीरियंस का नाम डाल दो, फिर से दिक्कत कहाँ आ रही है यार, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, ऐसे दिमाग को थोड़े से जोर डालो, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य से अप्लाई, कौन कौन से राज्य से अप्लाई कर सकता है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट बार फॉर्म आपको आया था उस दिन मैंने वीडियो डाला था। अब देखो भाई आपकी जानकारी के अभाव में आप वीडियो को नहीं देखते, क्योंकि आप ही मेरे को बताया मैं थंबनेल पर ज्यादा जोर नहीं देता, पर जो वीडियो के अंदर क्वालिटी देता हूँ ना उसको देखो आप। अब थंबनेल को देख कर आप ऐसा मत सोचो कि हाँ भाई, तो मैं बता दू आपको, देखो भाई बात आती है कौन कौन से राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ने बता रखा और अदर स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, पर मैं बता रहा हूँ आपको अदर स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके अंदर एक ऑप्शन दे रखा है, आप ध्यान से देखना, जो क्वालिफिकेशन के नीचे ऑप्शन दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, कि जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हो उस राज्य का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जैसे वो कई राज्यों का मेरे पास फोन आ रहा है, जैसे मान लो कि राजस्थान से आप हो, ठीक है, आप राजस्थान से हो, ठीक है, और कई बच्चे ने क्या किया, अभी राजस्थान वाले भी ज्यादा होशियार होने लगे और वो गांधीनगर गुजरात से फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, और कई बच्चे गांधीनगर वाले वो राजस्थान से फॉर्म लगा रहे हैं। मेरे को एक बात दो, या तो कैपे वाला पागल है जो आपका फॉर्म लगा रहा है, या फिर आप पागल हो, क्योंकि भाई मेरे को एकदम उन्होंने साफ दे रखा है डोमिसाइल, डोमिसाइल कहां से लाओ आप, राजस्थान के, गुजरात का कैंडिडेट राजस्थान का डोमिसाइल कहां से बनाएगा, या आप राजस्थान का कैंडिडेट गुजरात का डोमिसाइल कहां से बनाएगा, तो खेल थोड़ी है छोटा सा, ये सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं इस बार, बहुत ज्यादा, आपको मैं बता दूंगा, जिस दिन आपका फॉर्म लास्ट सबमिट हो जाएंगे उस दिन के बाद, जैसे ग्रुप सी का मेल आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के ग्रुप सी का मेल आ चुका है भाई, बीएसएफ का जो बेहतर पोस्ट वैकेंसी आई थी ना उसका मेल आ चुका है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पर उसको नहीं देखा आपने, क्यों नहीं देखा, आप तो भाई जो आपको बता दू ज्यादा दिखावा करते हैं, ज्यादा ऐसे कैसे करते हैं, उस यूट्यूबरों को देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे आपकी लाइफ का सवाल है यार, यहाँ पर जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक दी जाएगी और बिल्कुल रियल जानकारी आपको दी जाएगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप।
ठीक है, बात करते हैं, दरवाजे से अप्लाई कर दिया, अब क्या करें? देखो अप्लाई कर दिया तो उसमें एक ऑप्शन देगा, आप डिलीट कर सकते हो फॉर्म को, पर मैं ये आपसे वादा नहीं करता कि आपका फॉर्म फिर से भरा जाएगा। पहले आप दूसरी मेल आईडी लगाओ, मोबाइल नंबर लगाओ, रजिस्ट्रेशन करो, अपने जो अपना राज्य है उससे अपना फॉर्म भर दो, क्योंकि आपको पता है अलग राज्य चुना तो वहां पर आपका नंबर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जिसे आप ये मान लो कि यहाँ पर गुजरात का होकर कैंडिडेट राजस्थान से फॉर्म भर दिया, तो वो गांधीनगर से पहले फॉर्म भर ले, उसके बाद पहले वाले ईमेल आईडी लगा दे, उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, पहले वाला फॉर्म लगा। इस तरीके से तो आप फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हो, पर ये नहीं कि आपने पहले फॉर्म रिजेक्ट कर दिया बाद में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो क्या करोगे, तो समस्या होगी ना ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा काम ना करो जिसमें आपकी जिंदगी खराब हो यार। ये काम आप इसको ऐसे पागलपना मत समझो कि आप हम अदर राज्य से अप्लाई करके जैसे गुजरात से मेरिट कम जाते तो गुजरात से सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं ले सकते, बाहर जो राजस्थान का कैंडिडेट है 80+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, और 80+ नंबर की मैं तैयारी कराऊंगा यहाँ पर। पिछली बार 83 ठोके थे, इस बार हम 85 ठोकेंगे, दम मार के बोलते यार, तो टेंशन किस बात की यार। अब रही बात आ गई मेडिकल की प्रोसेस वगैरह, उस मेडिकल का भी आपका सारा सॉल्यूशन करने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको ऑफलाइन बेसिस मिलने वाले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि आपको राज्य से को अदर राज्य से अप्लाई ना करके अपने राज्य से अप्लाई करें, बहुत ज्यादा कंडक्ट ये गलती ना करें, और जो अप्लाई करने वाले वो जरूर देख ले भाई इस वीडियो को, आपके लिए आईटीआई जरूरी नहीं है, आपको केवल 10th पास, 2 साल एक्सपीरियंस होगा तो आप मान्य होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स कर देना, कमेंट्स का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहा, तो आप सबको पता है कमेंट्स का वीडियो स्पेशल बना, तो जैसे आपका 3 से 4 दिन या 5 दिन हो गया तो आपके कमेंट्स से ज्यादा हो गया तो मेरे कमेंट्स का देखो, आपको पता है यार एक दिन के अंदर मान लो यहाँ पर 50 कमेंट्स आते हैं, तो 50 कमेंट्स का जवाब देना तो मुश्किल ही है, आपको पता है ना। तो मैं आपके लिए कमेंट्स का स्पेशल वीडियो डालता हूँ, उसके अंदर आपके सारे दो आपके 3 से 4 दिन में जो भी कमेंट्स होते हैं उन कमेंटों को इकट्ठा करता हूँ और उनके सारों का जवाब देता हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें सारे कमेंट्स का आपको जवाब मिल जाता है, बिल्कुल YT स्टूडियो के आपके वो डेस्कटॉप के बिल्कुल आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाकर वीडियो बनाया जाता है, भाई किसने क्या कमेंट किया और क्या जवाब दिया मैंने। तो फिर आप ऐसे यार ऐसे मत बोलो कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हो, व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं कर रहे हो, व्हाट्सएप पर 3300 मैसेज इस वक्त है, यानी 3300 मैसेज इस वक्त है, किसका जवाब, किसका जवाब दो? 3300 मैसेज ओनली फॉर चैट में, ग्रुप वाले अलग है, ग्रुप वाले अलग है। तो आप सोचो यार, आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स करो, कमेंट्स का वीडियो लेकर आ जाऊंगा, या आपको बता दूं लाइव सेशन हमारा चलता है 7 बजे, हर संडे को लाइव सेशन चलता है 7 बजे, उस लाइव सेशन में आप जुड़ जाओ, वहां पर आपके सारे सवाल मिल जाएंगे 7 बजे या 7:30 बजे, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा ना उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सूचना मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा उसको सूचना मिल जाती है, भाई इतनी बजे लाइव आने वाले हैं तो वहां पर आपको सूचनाएं मिल जाएगी, वहां से आप लाइव जैसे आओ उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, उससे आप क्लिक करके अपना सवाल का जवाब ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताना, और हाँ जो बच्चा ये बोल रहे ना आईटीआई कर रहे, कई बच्चे बोलेंगे सर ये बार बार क्यों बता रहे, बार बार बता रहे यार आप, बार बार एक ही कमेंट करो, बता रहा हूँ कम से कम मेरे पास 180 के लगभग ये कॉल आ चुके हैं 4 दिन के अंदर, सर आईटीआई मांग रहे, आईटीआई मांग रहे, आईटीआई मांग रहे, कोई आईटीआई नहीं है, एक्सपीरियंस है, मान्य होगा, ठीक है ना। तब मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अभी भी आपके पास कोई डाउट है कमेंट्स कर देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि BSF ट्रेड्समैन की कला से इसी यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 कराने वाला, ना आपको SSC की तैयारी कराऊंगा, ना आपको और कुछ तैयारी कराऊंगा, ओनली फॉर BSF ट्रेड्समैन, 41 APD, CRPF ट्रेड्समैन, SSB ट्रेड्समैन, ITBP रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, ITBP ट्रेड्समैन, और आपकी जो आने वाली वैकेंसी आपकी MEC यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की आपकी, इन सब की आपकी तैयारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। CRPF फायरमैन और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है उसका भी आपका सेम सिलेबस सबका रहने वाला है, तो सबके लिए मैं आपको लिए क्लासे डालता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।